मेहता का उल्टा चश्मा। रुको, यही कर दो बेटा। मैं अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है टप्पू, तुम्हारी जरूरत। मित्रों, गोकुल धाम तो प्रतिभा की खान है। सिर्फ टप्पू ही नहीं, हमारे यहाँ तो बड़े प्रतिभाशाली बच्चे, उनमें से एक प्रतिभाशाली बच्चा हमारे सामने बैठा है जो निश्चित तौर पर अपने माँ बाप के लिए बड़ा नाम करेगा। तो आज की शाम हमें इन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सम्मानित करने के लिए अब इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच श्री गुलाब कुमार हाथी उर्फ गोली, आइए। इनकी प्रतिभा को और भी बेहतर ढंग से बताने के लिए और इन्हें सम्मानित करने के लिए इनके माता पिता से बढ़कर कौन हो सकता है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी यहां आए, इनकी प्रतिभा पर प्रकाश डालें और इन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। आइए आइए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोली डॉक्टर बनना चाहता है और एक डॉक्टर का काम बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, तो जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे गोली ने गलत साबित कर दिया। गोली ने मुझे सिखाया मेहनत और डिसिप्लिन तो सिर्फ किताबी बातें हैं, असली चीज तो खोले से गुटली मारना। आज का जमाना बहुत सातिर, और असली टैलेंट है कॉलेज में बंक मारना और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। वेल डन माय बेबी। और हमें फक्र है कि गोली बहुत टैलेंटेड है, और हमें पूरा यकीन है कि गोली एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। यस, मुझसे भी बड़ा डॉक्टर। ऑल द बेस्ट माय सन। या ऑल द बेस्ट। ले गोली बेटा। ओ शर्मा मत ले, ले ट्रॉफी। कुमार जी लीजिए ट्रॉफी, लीजिए ट्रॉफी, लो, यू डिजर्व इट बेटा। इस्माइल बेटा, गॉड ब्लेस। अरे वाह, चलो ये करो 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 करो। मस्ती खोर डॉक्टर। मेरे गोली को खाना बहुत पसंद है, इसीलिए ट्रॉफी देने के साथ मैं उसे उसका फेवरेट मिठाई भी खिलाऊंगी। हाँ, खिलाओ खिलाओ। वाह वाह, ऐसे कर्मों के बाद तो मीठा बनता ही है। नहीं का एक बेबी। अरे खोलो मुंह खोलो, खाओ। हाँ, हमारे फेवरेट है लड्डू, मोती चूर के लड्डू। बोली बेटा, अब वाकई तू बड़ा हो गया। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस। लेकिन अभी कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हुआ, अभी हमें एक सम्मान और एक स्मृति चिन्ह और देना, एक ट्रॉफी और देनी। हाँ। और वो ट्रॉफी देनी है इस त्रिमूर्ति की एक और महत्वपूर्ण सदस्य, सोनालिका भिड़े उर्फ सोनू भिड़े। आइए आइए। आइए सोनू जी। भाई, जितने प्रतिभाशाली टिपेंद्र जी और गुलाब कुमार जी हैं, उतने ही प्रतिभाशाली सोनालिका और सोनू भी। इनके पेरेंट्स श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े और माधवी भाभी हमारे बीच में हैं। भाई आए, सोनू के बारे में हम सबको बताएं भी और सोनू को ये शानदार ट्रॉफी देके सम्मानित भी करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए। बिल्कुल बिल्कुल। आज सबसे बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए, क्योंकि आज जिनका सम्मान हो रहा है वो तीनों बचपन से मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे
बच्चे कॉलेज में गुठली मारे तो माँ को तो खुशी होती ही है, लेकिन जब एक शिक्षक की बेटी पढ़ाई छोड़ के कॉलेज में गुठली मारे तो उस शिक्षक को सबसे ज्यादा खुशी होती है। रियली सोनू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज तो भिड़ा तुझे डबल खुशी हो रही होगी, एक तो शिक्षक भी है और एक बाप भी है। बिल्कुल मुबारक भाई, मुबारक पिनू, डबल मुबारक। थैंक यू। आज सुबह ही मैं इनको कह रही थी कि हमारी सोनू कितनी सिंसियर है, लेक्चर्स मिस ना हो इसलिए नाश्ता छोड़कर कॉलेज जाती है। लेकिन हम कितने गलत थे, नाश्ता छोड़कर कॉलेज जाती है और फिर कॉलेज छोड़कर घूमने जाती है। कितनी छान। वाह सोनू बेटा, वेरी गुड। सच में सोनू, मैं आज फूला नहीं समा रहा हूँ। हमारी सोनू हमेशा फर्स्ट आती है। हम सोचते थे कि सबसे ज्यादा कोई सिंसियर होगा तो वो हमारी बेटी सोनू है, लेकिन कितनी खुशी की बात है आज सोनू ने साबित कर दिखाया कि हम कितने गलत हैं। इसलिए सोनू, इस ट्रॉफी की तुम वाकई में हकदार हो। लो, अभिनंदन। टप्पू गोली आ गया बेटा, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। वो ट्रॉफी जरा दिखाओ, सबको दिखनी चाहिए ना। यस यस, पकड़ो, आते पकड़ो टप्पू। तो टप्पू, गोली और सोनू, आज तुम तीनों को अपनी आंखों से ये कारनामा करते हुए देख तो मेरा सर शान से ऊंचा हो गया। जरा सोचिए, जिस शिक्षक के स्टूडेंट्स इतने होनहार हो उस शिक्षक को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, है ना? सही बात। की बेटा, बेटा की बेटा, टप्पू गोली और सोनू, तुम लोगों ने आज साबित कर दिया दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। ये शेर उसके लिए बड़ा मुफीद है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मन में चाह हो, उमंग हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो, अदम साहस हो तो व्यक्ति कर दिखाता, जैसा टप्पू गोली और सोनू ने कर कर वो सचमुच काबिल तारीफ। आपके इस उपलब्धि के लिए एक बार फिर से जोरदार मम्मी पापा, मैनू भी ऐसा अवार्ड चाहिए, इसलिए मैं रोज गुटली मारूंगा। हाय हाय, ये तो कहीं भी बोले, चुप रह जा। आप सबकी बात समझ गए। आप लोगों ने हमें डांटा होता तो हम फिर भी सह लेते, पर आप लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है, और अभी ये शर्मिंदगी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमें सच में बहुत एम्बेरस फील हो रहा है। और माधवी आंटी, भीड़ अंकल, इसमें सोनू का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। सोनू तो बंक मारने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया। इसमें टप्पू का भी कोई दोष नहीं है, एक्चुअली पूरा दोष मेरा है। मैंने इन दोनों को कन्विंस किया था मॉल आने के लिए। माफ कर दीजिए। अरे तुम लोग माफी क्यों मांग रहे हो, उल्टा तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए, तुम लोगों ने कितना बड़ा काम किया है आज। बाबा, वी रियली सॉरी, हमसे गलती हो गई। हाँ, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मम्मी पापा दादाजी भीड़ अंकल, हम आप सबसे माफी मांगते हैं प्लीज, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। दोस्तों की बात में आकर हमने मॉल जाने का डिसीजन जो लिया वो एकदम गलत था, हम उनकी बातों में आ गए।
और अब हमें बहुत गिल्टी भी फील हो रहा है कि हम ना कह सकते थे पर हमने ना नहीं कहा। गलती हमारी है, सॉरी आई बाबा, हमने आपका भरोसा तोड़ा है और उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा है। और हम वादा करते हैं कि आगे से हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ, और इस गलती के लिए आपको हमें जो भी सजा देनी है हमें दीजिए, हमें सजा मंजूर है, हमें सजा देनी चाहिए, लेकिन प्लीज हमें और शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज। तुम लोगों को ये जो पछतावा हो रहा है यही तुम लोगों की सजा है। गांधी जी ने कहा है कि गलतियों का स्वीकार करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। वैसे मेरी माँ भी हमेशा कहती है गलतियाँ हमारी शिक्षक होती है और हम सब अपनी गलतियों में से ही तो सीखते हैं। और हमें खुशी है कि हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास है। सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, सॉरी मम्मी। बच्चों, हम लोग तो तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि हम लोगों ने तुम्हें पूरी आजादी दी है। अगर तुम सब लोग पूछ के मॉल में जाते तो हम में से तुम्हें कोई मना नहीं करता। अब तो तुम्हें लग रहा होगा कि क्या तुमने मॉल जाके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा फंक्शन किया। मॉल जाना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है बेटा, लेकिन गलती है और ये गलती की शुरुआत है। और कॉलेज लाइफ में ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना, ये पता नहीं कब बच्चों को लक्ष्य से भटका देती है कि पता ही नहीं चलता। देखो बेटा, मॉल में जाकर मौज मस्ती करना उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन पढ़ाई छोड़कर मम्मी पापा से झूठ बोलकर उनसे छुपाकर मौज मस्ती करना ये जरा बुराई है बेटा। जरा बुराई है। जरा क्या बुराई है। जीवन में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। हाँ चाचा जी, अगर ये लोग इस उम्र में कॉलेज लाइफ में मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये बात भी है। अरे क्या ये बात भी है। तो जानती है, अगर टप्पू को इतनी छोटी सी छूट दी तो फिर वो सभी टप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है, वो फिर से ऐसी गलती नहीं दोहराए। हाँ, माफ कर दो यार। हाँ पापा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है। पापा, मैंने एक बात समझ नहीं आ रही है कि पुत्र गुटनी मारनी है कि नहीं। वो बिल्कुल भी गुटनी नहीं मारनी है यार। हाँ, और तुझे तो एक भी क्लास मिस नहीं करना है, तुझे जाना है ना एमके गांधी कॉलेज में। हाँ, फिर तो मैं एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा। अपनी क्या, दूसरों की क्लास में भी पढ़ कर आऊंगा। हमने इन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन इनको इनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए ना। अहो, आता का है, छोड़िए ना। अरे कैसे छोड़ दो माधवी, इंसान अगर गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। छोड़ो ना बड़े मास्टर, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ भाई, भिड़े
बापू जी कह रहे थे इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है, मतलब इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है तो फिर जाना दे अभी। एक मिनट, इनका शिक्षक कौन है? मैं हूँ कि आप हैं? एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को सजा देने का मुझे पूरा अधिकार है। हाँ, तो मतलब भीड़ भाई आप बच्चों को क्या सजा करेंगे? आज मॉल में मैं और माधवी भी गए थे और तुम लोग भी गए थे, लेकिन दोनों एंजॉय नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारी सजा यह है कि अगले रविवार को मैं तुम सबको मॉल में लेके जाऊंगा, वहां पे पिक्चर दिखाऊंगा, खाना खिलाऊंगा और मस्ती भी करेंगे। अरे बच्चे भिड़े के साथ मॉल में जाएंगे, वो बच्चों के लिए सजा ही है। काई मस्त है, सजा मस्त है। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू बाबा। भिड़े अंकल थैंक यू। हाँ, लेकिन खबरदार जो आगे गुठली मार के मॉल में घूमने गए तो। नहीं नहीं भिड़े अंकल, कान पकड़ते हैं। भिड़े अंकल, नेक्स्ट टाइम हम लोग लेक्चर बंक करके मॉल में घूमने नहीं जाएंगे, शाबाश, बल्कि बीच, गार्डन, रेस्टोरेंट कुछ नया ट्राई करेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ। ओ यारो, फंक्शन रखा है तो थोड़ा मौज मस्ती करते हैं। और गोगी पुत्र टोल भी तो लेके आया तो जम के पंगड़ा पाते हैं। तो किसी को कुछ समझाना हो तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे डरा के, धमका के, डांट के, या फिर बातचीत करके, बहला फुसला के, या फिर हो सकता है कि किसी को कोई बात बनवानी हो तो रूठ के मनवाई जाए। तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे तरीके काम करें, और बच्चों पे किसी भी तरीके का गलत असर भी हो सकता है। तो गोकुल धाम में बच्चों को समझाने के लिए एक निराला तरीका अपनाया गया। ये जगह ही निराली है, यहाँ के लोग भी निराले हैं, और तरीका गुठली मार अवार्ड, और बिल्कुल तीर सही निशाने पे लगा। अवार्ड ने ठीक काम कर लिया, बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया, उन्होंने माफी भी मांग ली और ये वादा भी किया कि गलती दोहराएंगे नहीं। चलिए साहब, ये तो कमाल हो गया, लेकिन यहाँ एक विशेष बात और। कल 26 जनवरी है, यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी के अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये 26 जनवरी गोकुल धाम निवासी बड़े ही खास तरीके से मनाने वाले हैं। आप पूछेंगे ऐसा खास तरीका कौन सा है, ये जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।